हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप क्या सब बहुत अच्छे। तो गाइस, आज अपन मेरी एक्टिवा में म्यूजिकल फ्लैशर लगाएंगे। जैसे अपनी चाबी अपन ऑफ से ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कि ये बीप की आवाज़ आएगी, और जब अपन इंडिकेटर देंगे तो भी ये बीप की आवाज़ आएगी। तो ये जो बीप की आवाज़ आ रही है उसके लिए अपन को इसका फ्लैशर पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये फ्लैशर में आपको चाबी ऑन ऑफ करने का भी अच्छी खासी ये बीप की अच्छी आवाज़ आएगी, जो कि मैंने लगाई हुई है अपनी एक्टिवा 125 में। मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं गाड़ी बंद है, और जैसे ही मैं चालू करूँगा तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब भी चालू होती है, और ये इंडिकेटर में भी काम करता है, आप ये देख सकते हैं। ये आपने देख लिया, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फ्लैशर कौन से। एक तो मैंने अपनी ये ब्लैक वाली जो भी एक्टो, मैंने ये वाला ये लोकल सा लगाया जो कि मेरे को 100 रुपीज़ का ये मिल गया था। और मैंने एक ये वाला ये स्पार्क मिंडा का ये वाला मैं लेके, ये वाला अपनी वाइट वाले अपन अपनी एक्टिवा में लगाएंगे। और मैं ऑनलाइन भी जो इसका ये 125 रुपीज़ का अप्रॉक्स अमेजोन पे मिल जाएगा, उसका मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। तो अभी अपन अपनी एक्टिवा में लगाते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी जल्दी से इसका आगे का पूरा फेस खोलते हैं। उसके लिए एक नट, एक यहाँ पर रहता है नट इधर, और दो आगे रहता है, तो मैं जल्दी से उसको खोल लेता हूँ, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। तो ये पूरा अपन ने खोल लिया, और मैं इसको निकाल लेता हूँ सिंपली। मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ये ट्यूब भी रखा है। वैसे तो मैंने अपनी एक्स्ट्रा में अलॉय व्हील्स लगाए, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आप आई बटन में जाके ये क्लिक कर सकते हैं, पर अपनी सेफ्टी के लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा ये ट्यूब रख रखा है, क्योंकि अभी मैंने जब इसमें अलॉय व्हील्स लगाए थे तो मैंने इसको ट्यूबलेस कर दिया था। और ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कब के मैन्युफैक्चर हैं, ये 4 जुलाई 2012 का ट्यूब एक एक्स्ट्रा स्पेयर में रख लिया था। तो ये आप अपनी 5G तक ये सब पूरा यहाँ पे काफ़ी स्पेस होते हैं, तो आप एक अपना एक्स्ट्रा ट्यूब अपने संग रख सकते हैं। और अभी अपन को ये बैटरी पैनल नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, अपन को ये खोलना पड़ेगा। तो ये आपका ये 10 नंबर के इससे खुल जाएगा, तो मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। और इस कवर को बस ऐसे ही निकाल लेना है। तो यहाँ पे अपना ये दोनों ये फ्लैशर लगे हैं, तो इसका फ्लैशर यहाँ पे लगा है। इसमें ये दो तार होंगे और ये सॉकेट कुछ ऐसा होगा, और ये वाला अपने ये स्टार्टिंग का ये रिले है, तो इसमें ये मोटे तार होंगे। ये वाला अपन को नहीं, अपन को ये वाला दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये ऐसे में ये जिसमें ये दो तार, ये वाला अपने ये फ्लैशर का काम करता है। तो अभी मैं इसके लिए दूसरा यूनो मिंडा का ले आता हूँ। तो यहाँ पे अपना ये कंपनी ये फिटेड वाला ये फ्लैशर है, आप ये देख सकते हैं। और जो अपना ये यूनो मिंडा का है उसमें ये तीन होंगे, तो जो इसके जो ये दो सेम है ना, ये लोड और बेस, आप ये देख सकते हैं इसमें भी सेम ये लोड और बेस होंगे, आप देख सकते हैं। और ये वाला अपना ये नेगेटिव, ये बैटरी के नेगेटिव जाएगा, या फिर आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए कुछ ऐसा है कि ये पत्ती लेनी पड़ेगी, जो कि आपको कोई भी लाइट की दुकान पर मिल जाएगी, आप ये देख सकते हैं ये वाली पत्ती। तो ये काफ़ी टाइट है इसमें, और इसके संग ये तार छोटा सा चाहिए, जो कि आप इसके नेगेटिव ग्राउंड जहाँ आपको करना है आप वहाँ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको इसके संग अटैच कर लेता हूँ। तो ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने इसमें कि छोटा सा तार इसके नेगेटिव पे लगाने के लिए लगा दिया है, और इसका यहाँ पे ये लोड है और यहाँ पे बेस है। और जो अपना ये पुराना वाला, इसमें आप ये देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे लोड है, तो जहाँ पे इसका ये लोड और बेस होगा वहीं पे इसको यहाँ लगाना। तो मैं इसको लगा देता हूँ आप सबके सामने, तो आप ये देख सकते हैं ये लग गया है। जो इसका ये नेगेटिव है वो मैं इसके यहाँ पे लगाऊंगा, तो मैं इसको जल्दी से इसका नेगेटिव लगा देता हूँ। तो अपना पूरा सक्सेसफुली लग गया है यहाँ पे, ये नेगेटिव और बेस और लोड लगा दिया। तो अभी चाबी चालू करते हैं, आप ये देख सकते हैं, और अभी इंडिकेटर चालू करते हैं। और काफी ये तेज आवाज है इसकी, यहाँ पे इसका यहाँ से इसकी मेन आवाज आ रही है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर हाथ रखता हूँ तो फिर आवाज़ बंद हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं काफ़ी कम हो गई आवाज़। पर यार ये आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी बढ़िया, आपके इंडिकेटर जब साउंड करें तो किसी को पता चल जाता है कि आप ये मोड़ रहे हो कई साइड। तो अभी इसका ये अपन ये लगा लेते हैं कवर, तो इसको मैं इसके बाहर रखूंगा क्योंकि अब इसमें नेगेटिव लग गया है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। तो मैं इसको सिंपली ऐसे ही बिठा, ऐसे इसको बिठा दूंगा। और इस गाड़ी का फ्यूज़ इसके अंदर रहता है, और इसके अंदर ये दो रहते हैं, ये एक वर्किंग में रहता है और एक आपके लिए एक्स्ट्रा दिया है। तो अगर आपको इस गाड़ी का फ्यूज़ चेंज करना तो इसके अंदर रहता है सिंपल, ये लॉक लगा रहता है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ये आप ये ऐसे में देख सकते हैं, ऐसे में सिंपल खुल जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा लगा है। और आप इसमें ये 10 एम्पियर, नहीं तो आप इसमें ये 15 एम्पियर का भी लगा सकते हैं।
ये देख सकते हैं, ये इसके बाहर भी मतलब थोड़ा साइड से ये कवर बैठ नहीं रहा है क्योंकि जो लोड और बेस की तार है वो बाहर निकल रही है। मैं इसको ऐसे करके इसमें ये पत्ती लगा देता हूँ। अब थोड़ा साइड से आपका बैठेगा नहीं क्योंकि तार हल्की सी बाहर है, तो अब इसको ऐसे ही लगा देता हूँ। चाहे तो अगर ये आपका अगर थोड़ा यहाँ पे स्पेस आ रहा हो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये फोम यूज़ कर सकते हैं जिससे अच्छी खासी दवा रहेगा। और इसमें ये लोड ये 100 वॉट तक ले सकता है, तो अगर मैं ये चारों हैलोजन बल्ब जो कि हमने 21 वॉट का एक सिंगल है तो चारों अपने अप्रोक्स 84 वॉट के हो गए, और 5-5 वॉट के जो इसके अंदर जो कि ये ग्रीन वाले बल्ब है तो ये 94 वॉट के, तो 94 वॉट के आराम से 1000 लाइट के लिए ये ब्लिंक करवा देगा। नहीं तो अपना ये पूरा ये पैक हो गया, मैंने यहाँ पर ये ट्यूब भी रख लिया, और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ ऐसे में रखा है ये, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं आ पाता क्योंकि इसके यहाँ से ये इतना ये निकला हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी से इसको ये पैक कर लेता हूँ, उसके बाद करते कंटिन्यू। ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से पूरा काम कर रहा है, और बस आज के लिए यही था। और अभी हम लोग अपने इंस्टाग्राम पर भी आ गए, तो आप रिफाइनमेंट एंड पावर के मैं ये नीचे ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके हमको DM कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ऑटोमेटिक मोटिवेशन लाते रहते हैं। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।